Excuse me. Excuse me. Excuse me? Oh, you're excused. Oh, thank you. It's all right. एक बात बताइए. Sure. बिरयानी तो आप खाते होंगे? बड़े शौक से. खाते हैं? साहब एक काम कीजिएगा. अब के खाइएगा तो हमें भी खिलाइएगा. Oh, you take my word. Promise? Of course. Thank you. It's all right. आधा वर्ष का पाओ. इनका हार्ट बहुत ही खराब है और रहा किडनी, इट्स वेरी बैडली इन्फेक्टेड बीबी, वेरी बैडली इन्फेक्टेड. खुदा के लिए डॉक्टर, आप इन्हें बचा लीजिए. कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, आप इनके लिए दुआ करें बीबी. डॉक्टर, मेरी हाथों हर वक्त दुआ के लिए उठते रहते हैं, लेकिन अगर आप चाहें, आप कोशिश करें तो आप इन्हें बचा सकते हैं. बचाने वाला ऊपर है बीबी. ये बताइए, आपकी वालदा? आप इन्हें मेरी वालदा ही समझिए, वैसे तो ये मेरी सास है. आफरीन है बेबी. इस जमाने में मैंने बहुत कम बहुओं को देखा है कि सास के लिए इतना परेशान. प्लीज डॉक्टर, प्लीज आप इन्हें किसी तरह भी होश में ले आइए डॉक्टर. वैसे इनका होश में आना बहुत ही मुश्किल है बेबी, और अगर ये होश में आ भी गई तो ये जिंदगी भर नहीं बोल पाएंगी. सच डॉक्टर? हाँ. आप सच कह रहे, ये जिंदगी भर बोल नहीं सकेंगे? अल्लाह तेरा शुक्र है. हाँ हाँ, तू तो यही चाहेगी कि मैं सारी जिंदगी ना बोलूं. ओ, ये जो तू मगरमच्छ के आंसू बहा रही है ना, अभी तुझे कई साल तक बरसाने होंगे, समझी? अभी फिलहाल मेरा कोई मरने का इरादा नहीं है. जी सर. अब बिल्कुल सर, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं जी. नहीं जी, हमने दरअसल उसके कालिए के पीछे ऐसा बंदा लगाया है. हाँ जी, वो अकरम बॉन्ड है ना जी. जी हाँ, वही जेम्स बॉन्ड का भतीजा जो कहता है अपने आप को. जी बड़ा ज़हीन, बड़ा चलाक आदमी है जी. जी हाँ, हमने उसके पीछे लगा दिया जी. जी सर. हाँ जी, मैं आपको बिल्कुल इतला दूंगा जी. बाबू सर, वो अक्रम आया कि नहीं अभी तक? अक्रम तो सर कालिया के पीछे गया है सर जी. अब किसी तरीके से भी कालिया बच नहीं सकता. उसने बड़ी दहशत की है, बड़ी मुसीबत की है, बड़ी डकैतियां मारी हैं. लेकिन देखना, हमने भी ऐसा बंदा पीछे लगाया है ना, बस वो उसको लेते ही आता होगा. बस मैं समझ गया हूँ कि अब बहुत मुश्किल है उसका बचना. सर आपकी दहशत ही ऐसी. और बस ओए, ज्यादा मखड़ना लगा. ऐसा ऐसा कर, वो केबिन से जाके मेरे लिए ठंडी बोतलें लेके आ. ठीक है सर. ओए शाबाश, अक्रम आ गया. वो कालिया किधर है? सर लंबी कहानी है, आपको जरा डिटेल से सुनानी पड़ेगी. ठीक है, जल्दी बता यार, क्या हुआ? मेरे को आगे जवाब देना है. जैसे कि आपको मालूम है, शाम का टाइम था, मैं होटल के अंदर बैठा था, चाय पी रहा था. वायरलेस गाड़ी जो है होटल के सामने खड़ी थी, हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी, रेडियो से गाना बजा था. मुझको असल बात बता, बात क्या है? उधर ही आ रहा हूँ सर, तफसील से जाने की तो हमेशा मेरी आदत है. जैसे ही मैंने वायरलेस के ऊपर आपको मैसेज सुना कि कालिया ने बैंक डकैती की है, लाखों रुपए चुरा के भाग रहा है, वही मैंने अपने आप को सेटिंग की. मैं कह के चल भाई, आज जिंदगी के अंदर एक और वारदात पकड़नी है. मैंने सर गाड़ी में लगाया इग्निशन, मैंने स्टार्ट किया गाड़ी. मैं ढूंढता रहा उसको शहर के अंदर, कोई 3.5 घंटे पूरे शहर में तलाश करता रहा. इतना बड़ा शहर, सर आप सोचिए कितने इंसान मिलता है. लेकिन खैर, मुझे सुबह हुआ तो यही कालिया की गाड़ी है. मैंने उसको कहा कालिया, वो घबरा के मुड़ा. अच्छा, नजरें चार हुई. ठीक है. मैं मुस्कुराया थोड़ा सा, वो घबराया. जब वो घबराया तो मैं फिर एकदम तेजी में आया. मैं उसके पीछे गाड़ी लगाया, मैं कहा चलो स्टार्ट किया. आगे उसने तेज भगाया, गाड़ी चलती जा रही थी. था गाड़ी बड़ी स्पीड में उसकी दौड़ाई. मैंने भी एकदम एक्सीलेटर दे के आगे. क्या हुआ, आगे बताओ. एंड जो उसका तकरीबन ये हुआ चेजिंग का, ये मेरी गाड़ी है. हाँ. ये उसकी गाड़ी है. कभी यूं होती थी, कभी यूं होती थी, यूं होती थी. अच्छा. सर उसने डाइजिंग शुरू कर दी, अक्रम बांड के साथ डाइजिंग शुरू कर दी. जब बहुत ज्यादा उसने डाइजिंग कर दी तो मैं गाड़ी उसके नजदीक लाया. मैंने शीशा खोला, मैं कहा डाइजिंग मेरे से अच्छी कर सकता है? कहने लगा करके दिखा. मुझे भी गुस्सा है, मैंने फौरन यूं करके ऐसा डाज मारा. गली के अंदर जाकर मैं छुप गया सर. शाबाश, 2 घंटे तक मैं उधर छुपा रहा. घटिया कमीना इंसान नहीं आया. वो तो फिर तुमने उससे आगे क्या किया? फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि सुपर हाईवे क्रॉस करके ये कराची की सरहद क्रॉस करना चाहता है. फिर तुम तो जाहिर है सुपर हाईवे गए होगे. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. मैं उधर ही पहुंच गया सर. खैर, मैंने देखा कि वहां पर चाय पी रहा है. जैसी ऐसी उसकी गाड़ी खड़ी थी, वो चाय पी रहा था. जैसी उसने ऐसी आवाज निकाली, मैं इधर से गया. मैं कहा कालिया, मैं आ गया कालिया.
अच्छा सर यही मुझसे गलती हुई, मुझे आवाज नहीं देनी चाहिए थी, खामोशी से जाके थम्बू करना चाहिए था, लेकिन खैर उसने गाड़ी में बैठा अच्छा। वहां से निकला, एक मोटरसाइकिल खड़ी थी उसको धक्का दिया, उसके ऊपर बैठा बस जल्दी आगे बता फिर हुआ क्या। ये बताना जरूरी ना, इसलिए कि मैंने उससे ज्यादा हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल वाले को पकड़ा। अच्छा सिविक सेंटर है ना सर, सिविक सेंटर के ऊपर सिग्नल लगा हुआ है। ठीक है लगा हुआ है, ये है सिग्नल। अच्छा जैसे ही वो कार्य उधर आया सिग्नल रेड हो गया, पटाख। कानून का एहतराम तो बड़े बड़ों का फर्ज है सर, कानून की दहशत पीछे अक्रम बॉन्ड रुकना तो था सर, उसने रुक गया दहशत से। मैंने भी दो मोटरसाइकिलें गिराई, तीन गाड़ी गिराई, ऊपर से ट्रक के ऊपर से फलांगते हुए उसके सामने जाके कूदा मैं, का हैंड्स अप कालिया, शाबाश बाहर निकल कालिया, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है कालिया, अगर भागने की कोशिश की तो गोली चला दूंगा, बैंक से जितना रुपया लूटा है लेके आराम से हाथ ऊपर कार के गाड़ी से नीचे आया। अच्छा फिर तुमने उसको पकड़ लिया होगा? गाड़ी से वो नीचे आया सर जी, फिर लेकिन उसने पब्लिक के सामने मुझसे एक ऐसी बात कान में कह दी कि मेरी आवाज और मेरी गाड़ी सिग्नल पे बंद हो गई। ओए उसने आखिर ऐसी कौन सी बात कह दी थी? कुछ नहीं सर, उसने बैंक का सारा पैसा मेरी नजरों के सामने किया और कहने लगा अकरम बॉन्ड आधे तेरे आधे मेरे। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ओह इट्स यू अगेन माय फ्रेंड, हाउ आर यू? यस इट्स मी। एक बात बताइए। श्योर पूछे। मछली भी खाते होंगे आप? बड़े शौक से, बड़े शौक से खाते हैं। आप खाइएगा, हमें भी खिलाइएगा। खिलाएंगे? आधा वर्ष कर पाए। इस हफ्ते की खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पहली खबर, दो डॉक्टरों की एक्साइज इंस्पेक्टरों के ओहदे पर तकर्रुरी। ठीक है, बीमारों और मजलूमों का माल खाने से बेहतर है किसी तंदुरुस्त आदमी का माल खाया जाए। इस्लामाबाद से कराची आने वाली परवास PK 309 में एक मोटे ताजे चूहे ने तश्वीश और अफरा तफरी पैदा कर दी। लेकिन इस्लामाबाद वाले तो खुश होंगे कि चलो एक मोटा चूहा तो कम हुआ। एक अपोजिशन लीडर के जूते लाहौर में चोरी हो गए। शुक्र है लाहौर में चोरी हुए, वरना इसे भी इंतकामी कार्रवाई समझा जाता। इनकम टैक्स पैनल सिस्टम खत्म किया जाए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टरों का मुतालबा। वाकई किसी के पेट पे लात मारना बहुत बुरी बात है। फैसलाबाद में मुर्गियां बांग देने लगीं। जमहूरियत का यही तो फायदा है, सबको बराबर का हक मिलता है। और इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Excuse me.